वैसे आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं कि 15-20 से ज़्यादा बच्चे पाढ़े याद नहीं करते, तो 15-20 से ऊपर का जैसे ही पाढ़ा आ जाता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस सवाल को हम कैसे करें। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उनका पाढ़ा बनाने लगते हैं और पाढ़े बनाने में लगता है बहुत समय। तो हम आज ऐसी ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि चुटकियों में आप बड़े से बड़े पाढ़े के सवाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने दे रखा है 41, हमें पाढ़ा पढ़ना है 41 का और इस संख्या में पढ़ना है, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल करने की। हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले पहली संख्या कौन सी है। यहाँ पर पहली संख्या हमें दे रखी है 4 और यहाँ पर पहली संख्या हमारी कितनी दे रखी है 4। अब देखिए यहाँ पर 41 है और यहाँ दोनों संख्याओं को मिलाकर के 40 है। ये छोटी संख्या बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो हम इसका पाढ़ा इसमें नहीं पढ़ सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों संख्याओं में पाढ़ा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर कितने हैं 405 और यहाँ पर है 41। यहाँ पर देखने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का पाढ़ा 40 में पढ़ेंगे। पहले एक संख्या को भूल जाएंगे, 4 का पाढ़ा पढ़ेंगे कितने में, 40 में। पढ़िए, 4×9=36 होते हैं। अब 9 बार पढ़ा गया, कितनी बार गया, 9 बार। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि एक साइड में 41 का गुणा 9 में करके दिखा देते हैं। 9×9 और 9×4=36, यहाँ पर आ गए 36। अब देखो कितने आ गए, 369। अब 369 को यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है बच्चों, 369। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, जैसा कि भाग का नियम है घटा देंगे। अब 5 में से 9 नहीं जाएंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ पर हो गए 15। 15 में से 9 हो गए तो कितने बचे, 6। 15 में से 9 गए तो बचे 6, यहाँ कितने बचे, 9। 9 में से 6 गए बचे 3। अब यहाँ कितने बचे, 3। 3 में से 3 गए बचा 0। अब अगली संख्या हम उतार लेंगे इसी तरह से, यहाँ पर 7। अब यहाँ पर कितने हो गए दोस्तों, 367। अब हमें फिर हमें पाढ़ा पढ़ना है, क्या बार जाएंगे, देखो यहाँ पर 69 था और यहाँ पर क्या बार जाएगा, 4×9=36, 9 बार जाएगा और इतने आएंगे। तो ये वाली संख्या इससे ज़्यादा जा रही है, तो हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, इससे कम लेनी है। एक बार मैं आपको बताना भूल गया, जितनी बार पढ़ा पढ़ते हैं हम वो यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो ये गया 9 बार, ठीक है। अब ये वाला सवाल पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर फेर करके देखेंगे, 41 का गुणा 8 में, 8×8 और 8×32 कितने आ गए, 32। तो यहाँ पर आ गए 328, कितने आ गए दोस्तों, 328। फिर घटा देंगे, 7 में से 8 जाएंगे नहीं, यहाँ से लेंगे 17। 17 में से 8 गए, यहाँ पर बचे 9। यहाँ कितने बचे, 5। 5 में से 2 गए कितने बचे, 3, ठीक है। अब 39, यही अगली कोई संख्या है नहीं है, ये गया हमारा 8 बार, ठीक है दोस्तों। अब इसका पढ़ा इसमें पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए यही हमारा क्या होगा दोस्तों, शेष, ठीक है। ऐसे हम सवाल आराम से कर सकते हैं।